डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज्जज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, हशरातुल अर्ज़ में से कई हशरात ऐसे हैं जो अज़ल से ही इंसानों के साथ दुश्मनी मूल लिए हुए हैं, जिनमें सांप सरे फहरिस्त है। और सांप के बाद अगर कोई हशरातुल अर्ज़ में से दहशत की अलामत समझा जाता है तो वो है बिच्छू। इन दोनों के बारे में एक ज़रबुल मिसल मशहूर है कि सांप सुलाए और बिच्छू रुलाए, यानी सांप के काटने से इंसान पर गनूदगी छा जाती है जबकि बिच्छू का डसा इंसान रह रह कर दर्द सहता है। यही वजह है कि बिच्छू के दहशत से जहां बरसात के मौसम के आने की खुशी अधूरी रह जाती है, वहीं लोग सहराओं की तरफ रुख करने से भी डरते हैं। लेकिन दोस्तों, अब तक बयान की गई तमाम बातें अब किस्सा माजी बन चुकी हैं कि इंसान बिच्छू नुमा जानवरों से कभी कतराते थे। अब तो ये हाल है कि बिच्छू को हासिल करने के लिए लोग इसकी आमद का इंतज़ार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिच्छू की अफादियत के पेश नज़र इस ज़मीन का बासी अपने ख़तरनाक दुश्मन को भी हासिल करने के लिए तैयार है। ख़्वातीन हज़रात, साइंसदानों के मुताबिक दुनिया का सबसे महंगा जहर बिच्छुओं की एक ख़ास किस्म ल्यूरिस कॉन्कास्टेरियस में पाया जाता है, जिसे जानलेवा बिच्छू भी कहते हैं। क्योंकि अगर एक बार कोई इस बिच्छू के जहर का निशाना बन गया तो इसे बचाना नहायत मुश्किल है। यही वजह है कि इस बिच्छू का जहर दुनिया का सबसे महंगा जहर है। इस बिच्छू का रंग पीला होता है और ये 30 से 70 मिलीमीटर तक लंबा होता है। आमतौर पर यह बिच्छू शुमाली अफ्रीका और वस्ती एशिया के रेगिस्तानों में पाया जाता है। ये बिच्छू अपने कीमती जहर की वजह से दुनिया भर में मकबूल है और इसके एक लीटर जहर की कीमत तकरीबन $10 मिलियन है, यानी सिर्फ इसका एक गैलन तकरीबन 5 अरब 15 करोड़ रुपए का होता है। लिहाजा दोस्तों, खतरनाक होने के साथ साथ इस बिच्छू का जहर बहुत ही कारामद है। तल अबीब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल ग्रेविट्स के मुताबिक इस जहर का इस्तेमाल बहुत सी तिबी तहकीकात और इलाज में किया जा रहा है। इस जहर में कुछ ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो दर्द कुछ अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जबकि एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस बिच्छू का जहर कैंसर वाले खुलियों को बनने से रोकता है। नाज़रीन इकराम, माहिरीन ने दावा किया है कि यह जहर जिस्मानी अज़ा की पेवंदकारी में भी माविन साबित होता है। कई बार जिस्म में अज़ा की पेवंदकारी पर इंसानी जिस्म इन्हें कबूल करने से इनकार कर देता है। ऐसी सूरत हाल में इस जहर में तब्दीली करके बहुत ही मामूली मकदार में जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है, जिसके बाद ये सीधा मदाफती निज़ाम पर अमल करता है और मसनूई अज़ा मुस्तर्द होने का इम्कान कम हो जाता है। इसके अलावा ये जहर हड्डियों की बीमारियों में भी बहुत फ़ायदा मंद है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसानी जिस्म में हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और इस तरह काम नहीं कर पाती जैसे एक नौजवान के जिस्म में हड्डियां काम करती हैं। लिहाजा इस जहर को इस्तेमाल करके हड्डियों के कमज़ोर होने के अमल को सुस्त रफ्तार किया जा सकता है। ख़वातीन हज़रात, सन 2011 में क्यूबा के एक 71 साला शख्स ने दावा किया कि ल्यूरिस कॉन्कास्टेरियस किस्म के कुछ बिच्छुओं से उन्होंने खुद को कटवाया था। जैसे ही बिच्छुओं का जहर इसके जिस्म में दाखिल हुआ, इसके सारे दर्द गायब हो गए। नाज़रीन, इन बिच्छुओं का जहर निकालने के लिए लेबॉरेटरी में इन्हें पहले करंट दिया जाता है, जिसके बाद बिच्छुओं का जहर इनके डंक में आ जाता है, जिसे एक बोतल में महफूज कर लिया जाता है। ताहम ये अमल बहुत ही पेचीदा है और एक वक्त में एक बिच्छू के डंक से सिर्फ एक बूंद जहर निकलता है। इस सूरत में एक लीटर जहर निकालने के लिए तकरीबन 1000 से ज़ायद बिच्छू दरकार होते हैं। यही वजह है कि इन बिच्छुओं के एक लीटर जहर की कीमत 110 करोड़ रुपए के लगभग है। नाज़रीन इकराम, माहिरीन के मुताबिक इसके अलावा भी बिच्छुओं की कई इकसाम हैं जिनके मुतालिक ज़बरदस्त तिब्बी फ़ायदे सामने आए हैं, जिनमें टीबी के मर्ज़ का इलाज भी शामिल है। दोस्तों, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि बिच्छू का जहर हासिल करना काफ़ी कठिन अमल है और इस कदर मुश्किल मराहिल से गुजरने के बाद भी बहुत ही कम मकदार में जहर हासिल होता है, जिसकी वजह से साइंसदानों ने ऐसे मुरकबात को तजर्बागाह में तैयार करने का तजर्बा भी किया जो कि कामयाब हो गया। इसके अलावा इन तमाम तजुर्बा से एक नई बात भी सामने आई है कि मेक्सिको में पाया जाने वाला एक ख़ास किस्म का बिच्छू डिप्लोसेंटर मिलेसी अपने अंदर ऐसे कीमियाई अज्जा रखता है जो मुख्तलिफ इकसाम के बैक्टीरिया का खात्मा करने में माविन साबित होते हैं। क्योंकि नाजरीन, स्टाफ बैक्टीरिया की 30 इकसाम है जिसने इंसानों को परेशान कर रखा है, जो जल्दी बीमारियाँ, बुखार, सर्दी और फ्लू जैसी कैफियात और अमराज पैदा करते हैं, जबकि इस कीमती बिच्छू को हासिल करके इंसानों को बैक्टीरिया के मुतालिक परेशानी से बचाया जा सकता है। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारी आज की इस दिलचस्प वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट्स की सूरत में अपनी कीमती राय भी दिया करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिर्दनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।